हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बेसिकली आज कीरत का बर्थडे है और वो रूम में तैयार हो रही है। मैंने उसको कहा है तू तैयार हो, मैं तब तक नीचे सामान छोड़ने जाता हूँ और सारा लगेज वगैरह मैं ले आया हूँ यहाँ पे। और मैंने एक छोटा सा सरप्राइज़ रखा है कीरत के लिए। इस सरप्राइज़ में शी हैज़ आइडिया अबाउट दिस बिकॉज़ ये परफ्यूम उसको काफ़ी पसंद है। उसको पता था मैंने कि मैं उसको लेके दूंगा बर्थडे पे, बट शी हैज़ नो आइडिया अबाउट दीज टू थिंग्स एंड अबाउट द केक एज वेल। सो आई एम रियली एक्साइटेड, आई होप शी लाइक्स इट। अब कीरत नीचे आने वाली है, मैंने उसको फोन किया था अभी 2 मिनट पहले कि कितना टाइम लगे तेरे तैयार होने में। कहती मेरे को बस 30 सेकंड्स लगेंगे, बट कीरत का 30 सेकंड्स वी नेवर नो। कहाँ रह गए थे? ओ बस थोड़ा सा सेट कर रहा था कि बेल्ट अंदर लगाऊं बाहर लगाऊं तो फिर चलो। अच्छा। चलो लगेज रख दिया। नाइस। हां बर्थडे गर्ल क्यूट टू। अच्छा सुन, हैप्पी बर्थडे हैगा। थैंक यू। मैं तू भी हैप्पी बर्थडे। मैं तेरे को कहने लगी थी हैप्पी बर्थडे। चल चल, मेरा ही बर्थडे है। सो क्यूट, ये तुमने किया है? वाह क्या बात है, हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। कैंडल बाबू कम हो गई है। ओ हां, सो बाय द वे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक एज अ हस्बैंड मेरे को नंबर मिलने चाहिए क्योंकि कीरत को ये व्यू बहुत ज़्यादा पसंद है। आई डोंट नो व्हाई शी इज क्रेजी अबाउट दिस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बेस्ट वाइफ इन माय लाइफ, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इट्स टाइम टू सी द फर्स्ट ऑब्वियस गिफ्ट। कौन सा खोलूं? द ऑब्वियस वन दैट यू नो गाइस, इसको इसके बारे में पता था। ये तो मैं आई एम डाइंग क्योंकि इसी की डिमांड थी। तो मैंने सिर्फ इसे पैसे भरे, इस पे मेरा कोई एफर्ट नहीं है। गाइस इसकी बॉटल इतनी सुंदर है ना। ओह इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, नाइस नाइस। YSL, आई एम हैप्पी, यू लाइक इट? देख YSL, यू लाइक इट? आई लव इट। I like the golden thing on it. Nice. But इसके लिए मैं excited नहीं था। जो मैं excited हूँ वो मैं next gift के लिए हूँ। And I would like to thank Karativa for sending me this. Right? This is extremely customized. Oh, this is for from you. Karativa as well? Yep. And oh, I thought this is Karativa. Okay. So this is from Karativa. This is from Karativa. There are things inside this that's also from Karativa. The song. Yes. So that's the beauty of these gifts, that you can put your customized song in it. So what do you have to say? Oh, I love it. It's so cute and sleek. And I really love the two-tier one, so that's the two Kiri, chains. And that's the heart. And you guys can get yours. The link is in the description. And you can also use our coupon code that is flashing on the screen and get a discount. Oh, we get the discount as well? Yes. Oh, that's nice. That's not it. There's another gift. Ooh. And I would like to thank them again for sending me this. Oh, this is so pretty. All their jewelry are based on silver. That is so nice. It's beautiful. It matches my dress. My whole attire. Okay, I'm confused. What should I wear? This one today? Show it to me. Just put it like that. Oh, nice. By the way, we had no idea that Kirat is going to wear red today. I know. Wow, this match. I ordered this like what? A month back. Huh? This is also silver, which has a gold color polish on it. And this is completely silver base. So all their jewelry is silver based and you can customize it the way you like it. And guys, I love this. Dobara se, take a demo. So thank you so much, Fufu, for sponsoring this beautiful trip. You're pagal. And for these cute, cute gifts. And for my favorite perfume. I love it. Thank you. नहीं नहीं, I love you genuinely. अच्छा, but not for the video, but genuinely, I'm sorry. जब भी मैं तेरे पे गुस्सा करता हूँ, I'm sorry. जब भी मैं तेरे को नहीं समझ पाता, और मैं genuinely तुझे बहुत प्यार करता हूँ. मेरे को 10 मिनट लगते हैं, फिर मैं ठीक हो जाता हूँ. I love you. I love you. Genuinely sorry. It's okay. मैं कभी कभी इसको डांट देता हूँ. सुबह पैकिंग करनी थी ना, तो मैं थोड़ा लेट हो गया था. मैं तैयार होने में, क्योंकि मुझे ये सब सेटअप करना था. ये लगी हुई कर, मैं कहा जल्दी कर. बह ही गया
इश्क इबादत बन ही गया खुद को तुम्हें सांभले सांपते नहीं है सांभले है शायद आप कमेंट में बताने क्या है लिरिक्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड तक जरूर देख के जाना थैंक यू सबको मुझे विश करने के लिए इतना प्यार देने के लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा मुझे पता है मुझे खबर है आप अपना साथ यूं ही निभाए रखना हमारे साथ तुझे ही अच्छा लगता है मुझे लगता है तूने कमेंट्स नहीं पढ़ती तू क्या लोगों को इतना आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जब कीरत लाइक सब्सक्राइब को ऐसे वाले गानों में गाती है तो कैसा लगता है मतलब जेन्युइनली आई स्वेयर मम्मी कसम मैं बहुत इंप्रेस हो जाता हूँ सच्ची मैं झूठ क्यों बोलूंगा गाइस इट्स टाइम टू लीव दिस ब्यूटीफुल क्यूट रूम आई एम गोना मिस दिस कैसल व्यू पागल ही हुई भी तब से बट हैप्पी बर्थडे थैंक यू यस मैं बहुत खुश हूं परफेक्ट हो गया एटम बम सा ये धमाका कैसे कोई सहे गाइस दैट्स आवर रूम जहां से हमें कैसल दिख रहा था एंड हियर इज द कैसल Such a cute castle. बस यहाँ पे ऐसे टाइम पे व्लॉग करना इसलिए मुश्किल हो जाता है बारिश है क्या बोलते हैं माइक गीला हो जाएगा बट रियल टाइम व्लॉगिंग गाइस रियल टाइम व्लॉगिंग अभी दो चार जगह और घूमना था बट आई डोंट थिंक हम घूम पाएंगे क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही है He got the parking right in front of the place where we're gonna eat. wow. चलो. Commendable. ऐसी लड़कियाँ perfect होती हैं. छोटी-छोटी बातों में भी खुश हो जाती हैं. मैं तेरे से खुश होता हूँ तो मेरे से खुश होती है. खुशी चल रही है कुकू. Love you. मैंने यहाँ देखा है यहाँ पे वैंकूवर के हिसाब से पार्किंग बड़ी सस्ती है. So we're gonna go to this place. काफी अच्छा है आई लाइक दिस पिकनिक सैलेड व्हेयर इज दैट पिकनिक सैलेड द बोल द दिस वन व्हेन यू डू मोबाइल व्लॉगिंग एंड इन द मिडल ऑफ द व्लॉग यू गेट अ कॉल योर पिंक ड्रिंक इज हियर This is not the pink drink, it's the lavender in it. Lavender. Oh my god, you look so cute. How is it? Hug diya? Do dil ki hamesha hi sahi thi. Dil ka irada. Oh, wo tujhe Bacon Hill Park pe bhi leke jana tha. चलो चलें चलो नहीं है पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑन द राइट इट्स द हार्बर सेंटर ओ माय गुडनेस गाइस फिर से मिल गई यार हाउ इज दैट पॉसिबल दिखा दे सबको गाइस देखो ये नो पार्किंग थी लेकिन ये वाली पार्किंग वाला स्पॉट है सो गाइस दिस इज द पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑब्वियसली ये बीसी की पार्लियामेंट है दिस इज विक्टोरिया इज द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो दिस इज अराउंड 124 इयर्स ओल्ड यहाँ यूजली अंदर जा सकते हो मैं गई हुई हूँ So, हम क्योंकि अभी आप सुंदर लग रहे थे
नहीं, तब जाने देते थे, कोविड नहीं था. तो अभी हम पूछेंगे अगर हम अंदर जा सकते हैं, इफ वी कैन टेक अ टूर. लाइक द सिक्योरिटी पीपल आर सुपर नाइस हियर, दे आर सो फ्रेंडली, बट एट द सेम टाइम बहुत ध्यान रखते हैं ये. बाय द वे, देख रहे हो क्लॉक, व्हाट टाइम इज इट? 3:00. 3:00, राइट? सो हर 1 आवर में बजता है, एवरी 1 आवर. हेलो, गुड आफ्टरनून. Is this closed for the public or it's open? You can get in. Oh, we can? Yeah. Oh, wow. Thank you. Yeah, come on up. Oh, okay. Huh? Yay. Thank you so much. Yeah, sounds good. All right. That's my husband's ID. Oh, sorry. Vaccination proof. And then his ID. ID or vaccination card. Perfect. And that's mine. As I said, this is an important symbol for British Columbia, and it is one that has a lot of gaps in it. That's not all, doesn't tell the whole story, but it does tell an important story because it helps to explain how people came here from around the world and how government buildings like this came to exist on this land. So this story starts with this flag up top. Of course, we recognize it's the British flag. The British were among the first Europeans to arrive here. One of them was a fellow called George Vancouver. And when he sailed up here, he met a Spanish captain. Well, someone sailing for Spanish. He's actually. That's called the mace. तो ये क्या होते थे? In 12th century, King Edward ने अपने bodyguards, 20 bodyguards को दिया था, sergeants को. लोग वहाँ तब पढ़ नहीं पाते थे, so वो ये badge show करते थे and they symbolized authority. मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि कौन intelligent था जो एक mic on करके चला गया? गाइज, आप ये टूर भी ले सकते हो. लुक सो नाइस एंड दे पूरा सिटी का वॉक अराउंड देते हैं. लेट्स गेट स्टारबक्स. गॉट द कॉफी एंड वी गोना एंजॉय द हार्बर व्यू. इस लड़के का मैं कुछ नहीं कर सकती. मैंने इसको बोला चल फेरी में चलते हैं, कहते नहीं मुझे सी सिकनेस होती है. ही डजंट वांट टू गो. और रात को मैंने 2 घंटे की वैसी फेरी लेनी है, इतनी बड़ी शिप पे भी मुझे हो रही थी. सो गाइस, तीरथ मैडम है बहुत ज़्यादा खुश. मैडम का एक तो देखो बर्थडे है, ऊपर से मैडम इतनी ही सुंदर जगह पे है कि मैडम के मुंह पे स्माइल पे स्माइल, स्माइल पे स्माइल है मैडम. Guys, this is the harbor center of Victoria. अगर आपको फेरी से नहीं आना तो आप सी प्लेन से भी आ सकते हो, बट सी प्लेन थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं. फियांशु यहाँ पे डाल देगा कि सी प्लेन का क्या चार्ज होता है. सो गाइज, दैट्स द एम्प्रेस होटल. ये यहाँ का सबसे फेमस होटल है. कहते हैं दिस इज हॉन्टेड एज वेल. नो, यस, सच्ची? There is lots of stories. ऐसा तो नहीं कि महंगा है और जो फिर पैसे नहीं देते उनको मार लेते हो? They range from 500 to up till I think 800-900 चल सकता है. Depending on the season. और ये तो starting room है. हाँ, starting room. Presidential suite तो ऊपर के होंगे. हाँ. और guys, मैंने यहाँ पे drone उड़ाने की कोशिश करी, but मेरे drone ने take off नहीं किया. Reason being, आप parliament के around 9 kilometers के radius में drone नहीं उड़ा सकते. मैं आपको Victoria का एक चीज बताना चाहती हूँ. यहाँ पे लोग इतने friendly हैं ना. They're so nice and they're so helpful. मैं अपनी story बताती हूँ. तो एक बार क्या हुआ था? मैं अपनी मम्मा के साथ बेकन हिल पार्क गई थी. मेरा ब्रदर था मेरे साथ, तो मेरे को फोटोज वगैरह खिंचवाने का शौक है शुरू से. तो मैंने क्या किया, मम्मा को बोला मेरी फोटो लेना प्लीज, एंड मैंने अपना पर्स साइड पे रखा एंड आई टोटली फॉरगॉट टू पिक इट अप. तो पूरा पार्क मैं घूम रही हूँ, 1 घंटा हो गया. बाद में जब जाने का टाइम आ गया, कीज चाहिए थी कार की, याद आया कि ओह शूट, वेयर इज माय पर्स. उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकती, आधा घंटा इतना मैंने ढूंढा पर्स, इतना ढूंढा. And I was totally freaked out because मेरे उसमें कार keys, मेरी IDs उसमें थी, गोल्ड की ज्वेलरी थी, मेरा होटल की keys, like had nothing left. तो ऐसा था कि shit यार, कैसे वापस जाऊंगी, गाड़ी कैसे लाऊंगी, अब कोई ले गया, पर्स कौन छोड़ता है, उसमें कैश था, सब कुछ था. तो I was like, ओ, अब तो ये नहीं मिलेगा. तो आधे घंटे बाद मेरे को एक unknown number से फोन आया from the police station and they asked me, okay, am I speaking with Kirat Gill? I'm like, yes. So they said, okay, we have your purse. I'm like, what? You have my purse?
गाइस मैं आपको बता नहीं सकती थी, मैं इतनी ज्यादा टेंशन में थी ना उस टाइम पे, और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि पर्स इतना बड़ा कोच का कैसे मिलेगा, कौन छोड़ेगा। उस वक्त तो ये होता है कि भाई कैश कुछ ले जाओ, बट अपनी आईडी वगैरह दे दो, सामान दे दो। तो फिर उसके बाद क्योंकि कार में भी नहीं जा सकते थे, तो मैंने एक अंकल को रिक्वेस्ट करी वहीं पे पार्क में, दे सॉ अस कि हम बहुत ज्यादा ऐसे पर्स ढूंढ रहे हैं, सो ही ऑफर्ड कि डू यू वांट अ राइड। तो वो ओल्ड कपल थे, उन्होंने स्पेशली हमें पुलिस स्टेशन ड्रॉप किया, और फिर वहां पे मैं गई, एवरीथिंग वाज देयर इन माय पर्स, एवरीथिंग, लाइक नॉट इवन पेनी वाज मिसिंग। और जब से मैं आया हूं यहां पे, ऑनेस्टली मतलब मुझे वैंकूवर से भी बेटर क्राउड मिला है, शायद हमारी लक अच्छी होगी या कोइंसिडेंस हो सकता है, बट यहां पे लोग सुपर स्वीट हैं। फ्रांचो का तो फर्स्ट टाइम है, आई हैव बीन हियर लाइक दिस इज माय फिफ्थ ट्रिप टू बी ऑनेस्ट, एंड मेरे को कभी भी ऐसे कोल्ड वाइब नहीं दी कभी भी किसी ने, और यहां पे बहुत ही तकरीबन रिटायर्ड लोग यहां पे ज्यादा रहते हैं, सीनियर लोग रहते हैं यहां पर, and it's a beautiful city, it's a beautiful city, matlab bahut bahut matlab pyar hai, acha amazing place to get retired, that's right, peaceful, bahut hi peaceful, calm sa hai yahan par। So maine apne brother ke liye ye perfume le liya hai, I hope he likes it, gift pack। Kiratna apne Ishwari bhai se bahut zyada darti hai, तो मैंने कुछ इस तरह माइक नहीं उठाया, ट्राइपॉड नहीं उठाया, कोई वीडियो नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं। और मेरे को पूछ रही है, कहती कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, तू कर लेगा ना। So that's my brother, Aman Veera, सत श्री अकाल, मासी ने सत श्री अकाल लिया। दोनों इतने शाये हो गए जो से मेरे बटन दबाया, कुछ तो बोलो। मासी से बहुत देर बाद मिले हैं, वधिया लग रहा है, फाइनली मेरे बर्थडे वाले दिन मिल गए। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन? Happy birthday! Chili chicken bowl. और guys, इतने tasty थे Brussels sprouts, हमने जल्दी खा लिए, वीडियो में डाले ही नहीं है, बहुत tasty थे। बट ऑनेस्टली गाइस जरूर आना यहाँ पे, बहुत ही अच्छे लोग मिलेंगे, मतलब अभी तक सारे बहुत स्वीट थे, बहुत 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 ही ज्यादा मजा आया। और अब हम यहाँ पे वेट करते हैं, एक घंटा वेट करेंगे हम? नहीं, हाँ 8 बजे पहुंच गए। हाँ। Oh, no. तो गाइस यहाँ पे मैंने नई चीज क्या सीखी है, सबको जैसे जैसे आप आते रहोगे सबको अपनी अपनी लेन्स मिलती रहेंगी, तो ये लेन मान लो है, लेन टू है, हम जब से जल्दी आ गए मतलब इसके बाद, और उसका लेन थ्री भरेगी, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अपनी गाड़ी को पार्क करके इतनी स्पेस रख के दूसरी गाड़ी के बीच में अपना इंजन बंद कर दो और वेट करो, शायद 8:30 बजे अंदर इंस्टॉल होना शुरू होएगा सारी गाड़ियों का। सो दिस इज प्रीटी नाइस, सब गाड़ियों से उतर के जा रहे हैं, कहीं लोग जिनको वॉशरूम जाना है, खाने पीने के लिए जाना है, तो कीड़े चली गई वॉशरूम। बहुत थक गई हूँ मैं अब, बर्थडे ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है मेरा, बट आई एम सो 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 ब्लेस्ड। आंखें दुख रही है मेरी, आई जस्ट वॉन्ट टू टेक दीज आई लैशेज ऑफ, बट मेकअप किट पीछे पड़ी है। बहुत दर्द कर रही है आम मेरी, सो गया था मैं। ऐसी होता है गाइस, बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो गए। हम घर सेफली पहुंच गए थे, 12:05 हो गए हैं, मेरा बर्थडे हो गया खत्म, वेलकम टू 28th
year of my life. I can't believe I'm 28 years old. Itni jaldi time nikla. 27 has been like such an amazing year. I never thought ke itna achha ye saal jayega. Aur I'm blessed, super blessed. Actually, more than blessed for what God has given me. And thank you everyone for your lovely, lovely, lovely wishes. Stay tuned to our channel. Aur aapko milte hain kal fir se. Bye bye. Take care.